दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। पाक में पाइप डालने के लिए खुदाई कर रहे थे मजदूर, तभी मिला कुछ ऐसा कि हो गई बल्ले बल्ले। कभी कभार खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिलती है जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ऐसा ही मामला 2 साल पहले स्पेन के एक पार्क में हुआ। यहां खुदाई का काम चल रहा था, अचानक मजदूरों ने बीच में काम रोक दिया। मजदूरों ने देखा कि यहां पर 19 मिट्टी के बड़े बड़े खड्े हैं जिनमें सिक्के भरे हुए हैं। यह सिक्के 1600 साल पहले रोमन काल के थे। उस वक्त इन तांबे और चांदी के बने सिक्कों की कीमत हजारों करोड़ रुपए थी। घड़ों में भरे हुए थे 600 किलो सिक्के। घटना अप्रैल 2016 की है जब स्पेन के टोमारिस शहर में कुछ मजदूर पाइपलाइन डालने के लिए पार्क में खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन में धंसे मिट्टी के बड़े बड़े घड़े नजर आए। यहां मिट्टी के 19 बड़े घड़े दबे थे। यह घड़े जमीन से 1 मीटर से भी कम नीचे धंसे थे। इन घड़ों में से 10 पूरी तरह सुरक्षित थे। मजदूरों ने जब घड़ों में देखा तो इनमें बहुत सारे तांबे और चांदी के पुराने सिक्के थे। इतिहासकारों ने इनके बारे में बताया कि यह सिक्के रोमन काल के हैं। जब इस खजाने को तोला गया तो इसका वजन 600 किलोग्राम था। स्पेन में आज तक कभी ऐसे सिक्के नहीं मिले थे, लेकिन अब इतने बड़े खजाने को देखकर हर कोई व्यक्ति हैरान था। इन सिक्कों पर रोमन साम्राज्य के कॉन्स्टेंटाइन और मैक्सिमियन की फोटो बनी हुई थी, जिसे देखकर सेविले पुरातत्व संग्रहालय ने बताया कि यह सिक्के सैनिक या बड़े पदाधिकारियों को देने के लिए यहां छुपाए गए थे। संग्रहालय की डायरेक्टर इना नेवेरो ने बताया कि ये सिक्के 4वीं शताब्दी के हैं, जब यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर रोम का शासन था।